नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अजय वर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 67 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। वही जब से ये लिस्ट सामने आई है, इसमें कुछ लोगों की टिकट भी कटी है, जिसमें हरियाणा में अलग अलग जगह पर जो है विरोध भी देखने को मिल रहा है या देखा जा सकता है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर जर्नलिस्ट सुभाष शर्मा जी हैं, इनसे चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं फरीदाबाद में 6 विधानसभा क्षेत्र है और इनमें 4 की घोषणा कर दी गई है और बड़खल और एनआईटी का पेच अभी फंसा हुआ है। ऐसी हरियाणा में भी कई जगहों पर जो है पेच फंसे हुए, इसको लेकर सुभाष शर्मा जी से बात करते हैं। सुभाष जी, सबसे पहले टुडे एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से जो 67 उम्मीदवारों के लिस्ट सामने आई है और कुछ विरोधी सुर भी हल्के फुल्के उठने लग गए हैं, फरीदाबाद में बात करें तो जैसे पंडित टेकचंद शर्मा की है और अभी 2 टिकटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है एनआईटी और बड़खल में, तो क्या कहना चाहेंगे? अजय जी, आपने बहुत करंट सवाल पूछा है जो आजकल चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के अंदर जो 67 सीट्स जो अनाउंस हुई है, उसमें अगर मोटे तौर पर मैं आकलन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम 6-7 सीटों को छोड़ दें तो 60 सीटें मेरिट के आधार पर बांटी गई हैं। और जो मेरिट का इस बार जो उन्होंने निर्धारण किया है, जो पार्टी आला कमान ने, वो सर्वे के आधार पर किया है। एक सर्वे नहीं, कई सर्वे करवाई गई हैं और सर्वे में जो सबसे पहले उभर कर आया है उनको टिकट बांटी गई है। इसलिए कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि इस बार टिकटों का अच्छा बंटवारा हुआ है। हालांकि बावजूद इसके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे लोग टिकटों के दावेदार होते हैं तो मिलनी तो एक को है, तो कुछ ना कुछ नाराजगी तो नेचुरल है, पहले भी होती थी और इस बार भी हुई है। तो मैं कुल मिलाकर यह समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकटों का बंटवारा किया वो बहुत बढ़िया किया। जहां तक फरीदाबाद की हम बात करें तो फरीदाबाद में जो 2 सीटें जो फरीदाबाद जिले की रोक रखी हैं, एनआईटी और बड़खल जी, इसमें सबसे बड़ा जो रुकने का जो कारण है, जो मेरी जानकारी है, जो मेरे सूत्र हैं, वो ये बताते हैं कि जो हमारी मौजूदा विधायक बड़खल की सीमा त्रिखा जी थी, वो हमारी शिक्षा मंत्री भी अभी 2-3 महीने से उनको दायित्व मिला था जी, उनके बारे में लोगों की राय कोई बहुत ज्यादा अच्छी पार्टी को प्राप्त नहीं हुई, जिस वजह से उनकी टिकट कटने के ज्यादातर चांस नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भविष्य की बात है, क्योंकि जो टिकट मिली नहीं है तो क्या पता उनका नंबर भी लग जाए, पर ज्यादातर चांस है कि उनकी टिकट कटेगी। अगर वो कटेगी तो उसके बाद जो हमारे जो दावेदार बचते हैं उसमें जो पैनल के अंदर आगे तक पहुंच चुके हैं, उसमें 4 दावेदारों के नाम आ रहे थे, जिसमें रेनू भाटिया का, श्याम सुंदर कपूर का, दिनेश अदलखा का, राजन मुथरेजा का जी। अब 4 में से कौन से 2 आगे गए और 2 पीछे रहे वो अभी देखने की बात है, पर मैं समझता हूं कि इन्हीं में से किसी का नाम बैलेंस 23 की सीट में अनाउंस होगा। अच्छा, बात करें एनआईटी 86 की, क्योंकि ये भी बड़ी हॉट सीट है, नीरज शर्मा उधर विधायक रहे हैं और अभी मौजूदा विधायक भी हैं, तो क्या लगता है एनआईटी 86 में जो बीजेपी से जैसे एक कैंडिडेट है नागेंद्र भड़ाना, वो पहले भी रह चुके हैं, उन्होंने अपना भी समर्थन पहले बीजेपी को दिया था, लेकिन जो है लगातार मेहनत करने के बावजूद भी जो उनको सुनने में ऐसे आ रहा है जैसे, क्योंकि अभी गर्म है, अफवाहें ही कह सकते हैं कि राज्य मंत्री हैं कृष्ण पाल जी, उनके बेटे के लिए जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस बार बीजेपी ने बहुत सारे मिथों को तोड़ा है। पहले कहते थे 75 साल के बाद नहीं देंगे टिकट, तो दादा गौतम जो जेजेपी से बदल कर आए हैं जी, उनको टिकट दी है। इसके अलावा और भी वयोवृद्ध जो इसी एज के आसपास है, 1-2 और लोगों को भी टिकट दी गई है। इसी प्रकार परिवार में परिवारवाद का जो हमेशा बीजेपी नारा लगाती थी कि हम परिवारवाद को नहीं बढ़ाएंगे, तो अगर आप देखें तो किरण चौधरी की बेटी जो हाल ही में हुई है, तो श्रुति को टिकट मिली है और कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट मिली है। इसके अलावा आप रमेश कौशिक जो सांसद अभी जीत नहीं पाए थे सोनीपत, उनके भाई को टिकट मिली है, और भी आरती राव को टिकट मिली, इंद्रजीत के जो बेटी है, इसी के आधार पर माना जा रहा है कि माना जा रहा है कि नहीं, कृष्ण पाल जी का बेटा इस सीट के लिए दावेदार है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पूरी
पूरे प्रयास में थे कि यहां से उन्हें टिकट मिले, जबकि दूसरे नेताओं के बच्चों को अगर टिकट मिल सकती है तो उनके बेटे को क्यों नहीं। तो मेरे जो सूत्र बताते हैं कि इस बार वहां पर देवेंद्र चौधरी का नाम लगभग फाइनल स्थिति में है, पर नगेंद्र बड़ाना को भी हम अभी इग्नोर नहीं कर सकते, शायद उनका नंबर भी आ जाए, पर पहले नंबर पे देवेंद्र चौधरी का नाम आ रहा है और वही टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि शिवचरण जी का बहुत बड़ा वहां पर काम किया है उस इलाके में उन्होंने, उनके बेटा नीरज शर्मा ने भी पूरे 5 साल तक स्ट्रगल करी है, बात को उठाते रहे हैं, उन्हें बेस्ट जो था वक्ता का विधायक का अवार्ड भी उनको मिला है, पर उनका शायद नगेंद्र बढ़ाना उतना मजबूती से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर सीट को जीतना है तो उस पे देवेंद्र चौधरी का उतरना पार्टी के हित में है, क्योंकि अगर वो उतरेगा तो कृष्ण पाल जी के पास ना धनबल की कमी है, ना दूसरी कमी है किसी तरह की, ना साधनों की कमी है, ना अनुभव की कमी, ना अनुभव की कमी है, तो वो इस सीट को निकालने की स्थिति में है। निर्णय तो पार्टी ने लेना है, पार्टी आला कमान ने लेना है कि किसको देनी है, पर अगर वो इस बारे में विचार करते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद पार्टी का ये बढ़िया निर्णय होगा। ऐसा नहीं हो, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र की। जैसे नैनपाल रावत हैं, उन्होंने भी निर्दलीय अपना समर्थन दिया था, लेकिन अब जो है उनके भी सामने बात आ रही है कि वो भी निर्दलीय लड़ सकते हैं और दीपक डागर भी निर्दलीय लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ सामने अगर आता है तो क्या टेकचंद शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है? देखिए अजय जी, ये सेंटीमेंट्स पे चुनाव नहीं लड़े जाते, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की इज्जत और साख का सवाल है कि अगर हरियाणा में वो हारती है तो मोदी जी के नंबर गिरेंगे, महाराष्ट्र में अगर पार्टी हारती वहां भी गिरेंगे, तो इसलिए जिताऊ कैंडिडेट ढूंढा जा रहा है। वो उसके लिए मापदंड नए निर्धारित किए गए हैं, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आगे बढ़कर पीछे हुआ है, सर्वे लगातार हो रही है, सर्वे के आधार पर ही टिकट जो है निर्धारित किए, उसमें दीपक डागर जो पहले आगे आ रहे थे, बाद में जब टेकचंद शर्मा के साथ उनका कंपैरिजन किया गया तो दिक्कत ये आ रही थी कि इस जिले में इस संसदीय क्षेत्र दो ब्राह्मणों को पहले टिकट दे अनाउंस लगभग मोटे तौर पर हो गई थी कि गौरव गौतम और मूलचंद शर्मा को दी जाएगी, ये ऐसा जो पहले 55 सीट निर्धारित हुई थी उसमें नाम आ गया था, छनकर आया था, क्लियर नहीं था, पर यह नहीं लग रहा था कि एक तीसरे पंडित ब्राह्मण को भी दे दी जाएगी, पर क्योंकि टेकचंद मेरिट में ठीक बैठ रहे थे इसलिए दीपक डागर की टिकट को काटा गया है। अब दीपक डागर को मनाने का काम तो भाई पार्टी का है, पर पार्टी ने जिताऊ कैंडिडेट समझकर टेकचंद शर्मा को टिकट दी है। दूसरी पार्टी भी, जैसे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में देरी क्यों हो रही है? कांग्रेस इतनी देरी क्यों कर रही? लोकसभा चुनाव में भी जो उनको नुकसान उठाना पड़ा था शायद देरी की वजह से ही था, लेकिन क्या बात है ऐसी? देखिए कांग्रेस जो है अपने निर्णय देरी से करने की वजह से ही हमेशा पीछे जाती है। इस पर कांग्रेस की पोजीशन पूरे प्रदेश में अच्छी मानी जा रही थी, जितने दूसरे सर्वे अब तक आए थे कहते थे कि बहुत आगे जा रही है कांग्रेस, पर ऐसा आपसी फूट की वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और अभी भी जो अलग अलग राय ली जा रही है, और आप पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात चल रही है, और गठबंधन क्योंकि अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है इसलिए देरी हो रही है, और देरी होने के कारण मैं समझता हूं कि कांग्रेस को कुछ नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अगर कांग्रेस ने और देरी करी तो इनके लिए प्रॉब्लम रह सकती है। कांग्रेस जो है जैसे टिकटों में देरी कर रही है, आपने भी बताया कि अभी गठबंधन को लेकर असमंजस की स्थिति अभी उन्होंने आपस में बनी हुई है, तो इस बार कुल ऑन होल जो स्थिति अभी तक शुरुआत में क्या दिखाई दे रही है बीजेपी की, किसके फेवर में है? देखिए अभी तक स्थितियां तो कांग्रेस की फेवर में पूरे, अगर हरियाणा का हम बात करें, हमारे जिले में बेशक बीजेपी कुछ एज पे है, आगे है, पर पूरे हरियाणा की बात करें तो वहां कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। इसी कारण जो है, परंतु कांग्रेस में दिक्कत ये है कि उनके नेता बहुत हैं, शैलजा अपनी बात कह रही है, रणदीप सुरजेवाला अपने बात कह रहे हैं, किरण चौधरी ऑलरेडी भिवानी को छोड़ गई है, इनके साथ मिल गई है, बहुत सारे जेजेपी के नेता भी इधर आ गए हैं, तो कांग्रेस के लिए कुछ बहुत आसान नहीं है। अगर वो अभी जल्दी इसका निर्णय नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ देरी इसलिए भी कर रहे हैं कि उनको भी डर है कि जैसे बीजेपी में कुछ बगावत हो रही है तो कहीं उनके भी ना बगावत हो जाए, तो बगावत के डर से देरी हो रही है, पर अल्टीमेट इनको नुकसान होगा, इसलिए कांग्रेस को अतिशीघ्र अपनी लिस्ट जारी करनी चाहिए, भले ही वो आधी करें, ज्यादा करें, कुछ भी करें, करनी चाहिए। अच्छा, अभी जैसे बड़खल विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें तो यहाँ पर विजय प्रताप पिछले चुनाव में लड़े थे और बहुत ही कम मार्जिन रह गया था जीत का। अब जो है एक नया पेच उनके लिए भी फंसता हुआ आ रहा है, क्योंकि पंजाबी
के लिए जो सीट फरीदाबाद में मांगे जा, बड़खल में मांगे जा रही है, फरीदाबाद 89 में, तो हो सक इस पर भी जो है कुछ असमंजस की स्थिति बनी। बिल्कुल है जी, पंजाबियों का दावा बनता है, इतना बड़ा फरीदाबाद है उसमें पंजाबी जो माइग्रेट होकर पाकिस्तान से आए थे उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है बल्लभगढ़ में और आपके NIT में और खासकर ये बड़कल विधानसभा क्षेत्र में और फरीदाबाद जहां विपुल जी खड़े हुए, ये चार कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी अच्छी खासी तादाद है, इवन पलवल में भी है, पर फरीदाबाद के बड़कल में सबसे ज्यादा उनकी तादाद है। तो पंजाबियों का दावा बनता है कि उनको कम से कम एक सीट यहां से दी जाए। भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से पंजाबी को यहां देने जा रही है, जबकि कांग्रेस ने लगभग क्लियर कर दिया कि इस बार जो है अपने विजय प्रताप जी यहां से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि गुजर के खाते में वो जाएगी। इस बात को लेकर कुछ नाराजगी तो है पंजाबियों में। विपुल गोयल को टिकट जो है या 5 साल के बाद बनवास के बाद, क्योंकि जो पिछली बार उनके साथ हुआ सब जानते हैं फरीदाबाद के लोग, और लोगों की मांग थी कि विपुल गोयल को टिकट मिले, और उसमें भी बड़ी असमंजस स्थिति थी अजय गौड़ को लेकर, ये सब था। तो अब विपुल गोयल को टिकट मिल चुकी, तो फरीदाबाद 89 विधानसभा को कैसे देखते हैं आप? देखिए वहां पर सबसे ज्यादा दावेदारी विपुल गोयल के साथ जो मुकाबला था अजय गौड़ का था, परंतु क्योंकि 3 सीटें ऑलरेडी एक जिले में ब्राह्मणों को दे दी गई है तो 4th सीट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, इसलिए जो दावेदारी उनकी बनी पुख्ता बनी, क्योंकि पार्टी संगठन से तो वो जुड़े रहे, बेशक उन्हें टिकट नहीं मिली, पर मैं ये इतना जरूर कह सकता हूं अपने अनुभव से कि जो विपुल गोयल जो है एक बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हैं और वो विनिंग्स कहे जा सकते हैं, बाकी तो आगे भविष्य बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो सुभाष शर्मा जी हैं थे हमारे साथ, जिन्होंने आज से शुरुआत कर दी है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, और ऐसे ही वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि राजनीति से जुड़े किन मुद्दों पर आप चर्चा सुनना चाहते हैं या कौन सा वीडियो चाहते हैं। इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहें टुडे एक्सप्रेस न्यूज के साथ। नमस्कार।